सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डीएससी इंजीनियरिंग एडमिशन 2022-2023 के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में जो है दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम टच करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये पूरा जो डीएससी इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस है इसमें आपकी टोटल कितनी कॉस्ट जाने वाली है, यानी कि रजिस्ट्रेशन में कितनी कॉस्ट जाएगी, जब आप सीट बुक करोगे तो उसकी कॉस्ट कितनी जाने वाली है, डॉक्यूमेंट्स की कॉस्ट कितनी जा सकती है, ये सारा जो है टोटल खर्चा कितना होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, जब कोई कॉलेज आपको अलोकेट हो जाएगी और जब आप वहाँ पर एडमिशन लेने जाओगे तो क्या वहाँ पर आपको टोटल फीस पे करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ फीस है तो क्या आपको वहाँ पे ऑन द स्पॉट 1 लाख रुपीज़ देने होंगे या उसका 50% देना होगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये जो भी आपके जो डाउट्स हैं क्वेरीज हैं वो इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। सो रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो पूरा एंड तक देखो सो देट आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है समझ सको। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि गाइज हमारा जो बेसिक प्लान एडवांस प्लान है उसकी प्राइस अपडेट हो चुकी है और जो प्रोफेशनल प्लान है उसकी प्राइस हमने कॉन्स्टेंट रखी जो कि 499 रुपीज़ है और वो भी जो है अभी जल्दी अपडेट होने वाली है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि सर हमें प्लान लेना है थोड़ा टाइम दो, तो आप सभी के पास अब जो है लास्ट के एक दो दिन बचे हुए हैं। तो गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर अभी तक आपने आपकी बेसिक प्लान, प्रोफेशनल प्लान या एडवांस प्लान अगर आपने आपकी सीट बुक नहीं की है तो आप बुक कर सकते हो। बेसिक प्लान में आपको कॉलेज रिक्वायरमेंट लिस्ट मिलती है, प्रोफेशनल प्लान में आपको कॉलेज रिक्वायरमेंट लिस्ट और लाइव कंसल्टेंसी मिलती है और एडवांस प्लान में आपको ऑप्शन फॉर्म फिल हमारी टीम फिल करके देती है, उसमें भी आपको कॉलेज लिस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसल्टेंसी मिलती है। ओवरऑल जो है आप आपके चॉइस के हिसाब से कोई भी प्लान बुक कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट थिंग बता दूं, जैसे आप हमारा कोई भी प्लान बाय करते हो उसका इनवॉइस इंस्टेंटली आपको मेल आईडी पे आ जाता है, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देती है जहां पर आपको जो है सबसे पहले डीएस रिलेटेड अपडेट्स मिलते हैं। तो गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप अभी जाकर आपकी सीट बुक कर सकते हो। सो गाइस कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो गाइस अगर हम खर्चे की बात करते हैं तो देखो सबसे पहला आपका डीएससी एडमिशन प्रोसेस में जो है दो ही जगह आपके जो है खर्चे होते हैं। सबसे पहला डीएससी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है तो वहां पर आपका जो है एक कॉस्ट आता है। तो अगर आप ओपन में आते हो तो आपको जो है ओवरऑल जो है 800 रुपीज़ जो है आपको पे करना होता है रजिस्ट्रेशन फीस, और अगर आप कास्ट में आते हो तो वो आपके लिए जो है कम हो जाती है, नियर बाय 600 के आसपास हो जाता है। तो वो एक जो है आपके लिए पहला खर्चा होता है। दूसरा जब आपको कोई कॉलेज अलोकेट हो जाती है तो वहाँ पर आपको जो है अमाउंट पे करनी होती है और वो अमाउंट होती है 1000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस फी। तो ये अमाउंट जो है आपको मैंडेटरी पे करनी होगी, वो पे करने के बाद ही जो है आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलता है जिसको लेकर आप कॉलेज में विजिट कर एडमिशन लेते हो। तो ये जो पूरा डीएससी एडमिशन प्रोसेस है इसमें जो है आपको दो ही खर्चे आए, पहला आपका रजिस्ट्रेशन अगर आप ओपन में आते हो तो 800 रुपीज़, कास्ट में आते हो तो नियर बाय 600 रुपीज़ के आसपास, और दूसरा सीट एक्सेप्टेंस फी जो कि आपकी 1000 रुपीज़ होती है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो नियर बाय 1800 रुपीज़ के आसपास होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप विचार करते हो कि भाई कॉलेज में विजिट करके आएंगे तो आप नियर बाय आपके कॉलेज में विजिट करते हो, 4-5 कॉलेजेस में जाते हो तो उसका एक खर्चा पकड़ लो 500 से 1000 रुपया होगा ट्रेवल जिसे हम कहते हैं बेसिकली। तो ओवरऑल जो है 3000 के अंदर जो है आपका ये पूरा जो बेसिक खर्चा है वो कवर हो जाता है। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि जब आपको कोई कॉलेज अलोकेट हो जाती है तो वहां पर आपको कंप्लीट फी पे करनी होती है या आप वहां पे पार्शियल फी पे करके भी आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। तो गाइस इसका बेसिक सिंपल सा आंसर ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको AISSM कॉलेज अलोकेट हो गई है तो आपको जो है वहां पर एग्जाम्पल के लिए जो है 1 लाख रुपीज़ या 80,000 रुपीज़ फीस है, तो आपको वहाँ पर एडमिशन लेते ही जब आप उनका एडमिशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको वहाँ 80,000 रुपीज़ पे नहीं करने हैं। आप मिनिमल फ़ी ऑफ 2000, 5000 या 10,000 के अमाउंट से भी जो है आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, और बाकी जो बची हुई फ़ीस है आप जो 1 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है आप उसमें जो है पे कर सकते हो। तो वो आप जो है 6 महीने में पे करो, 3 महीने में पे करो, वो आपकी चॉइस होती है। कोई भी कॉलेज आपको फोर्स नहीं कर सकती कि हाँ भाई अभी जो है अभी के अभी तुझे 1 लाख रुपए पे करने हैं। कैप के थ्रू जितने भी कॉलेज अलोकेट होते हैं उनका यही प्रोसेस है, तो आपको जो है एक फ़ीस का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ला भाई अभी जो है मैं पूरे पैसे इनको दूंगा। ये आपकी चॉइस है, आप चाहो तो दे सकते हो, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं नॉर्मली वो जो है 100% फी पे नहीं कर पाते हैं, वो 1 साल में जो है 2-3 बार करके पे करते हैं। तो यहाँ पर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आप 2000-3000 रुपये भी पे कर जो है एडमिशन ले सकते हो। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको 40-50 हज़ार रुपये लाकर उनके देना है तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये जो है कॉलेज टू कॉलेज भी वेराई करता है, लेकिन आप जो है पार्शली जो है आपकी जो फीस है टोटल उसे
डिवाइड करके पे कर सकते हो। तो गाइस ये था आज का कंप्लीट वीडियो, होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अभी तक आपने डीएससी कंसल्टेंसी नहीं ली है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अभी जाकर आप आपकी सीट बुक कर सकते हो। सो गाइस ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए टू टू टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप डीएससी रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ठोक दो, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं ऐसे ही न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।